Hey guys, it's me Thingaman and welcome back to another video. स्वागत है आप सभी लोगों का एक और न्यू वीडियो के अंदर. एंड येस आई नो मेरे को अपने चैनल का पासवर्ड याद आ गया तो मैंने वीडियो बना ली. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू एक माइक का जो कि ये रहा. दिस इज द बोया BY-MM1 माइक जो कि मैंने खरीदा है यूट्यूब वीडियोज़ के लिए क्योंकि नाउ आई हैव डिसाइडेड टू टर्न बैक टू यूट्यूब बट विद अ डिफरेंट बेस. सो या चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को जहाँ पर आज हम लोग करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे इससे क्या है बॉक्स कंटेंट और इसका रिव्यू देंगे. क्या ये माइक लेना वर्थ इट है 1250 रुपये की रेंज के अंदर? क्या आप इस अपना पैसा फूंक सकते हो अगर आपको यूट्यूब करना है, व्लॉगिंग करनी है? तो या चलिए शुरू करते हैं. तो कुछ इस टाइप के बॉक्स के अंदर ये आता है. ये है इसका बॉक्स, फटाफट से करते हैं सो क्विक अनबॉक्स. ओके, तो बॉक्स के अंदर से हमको निकलता है ये. यहाँ पर हमको मिलती है ये थोड़ी पुस्तकें जो कि कोई नहीं पढ़ता है तो उसको फेंक देते हैं. यहाँ पर इसका अगर इसको खोल ले तो ये निकलता है हमारा माइक घूंघट के अंदर माइक. इसको अगर हम निकालेंगे तो ये है हमारा माइक. सो या दिस थिंग इज कॉस्ट 1250 रुपये. और इसके साथ में हमको मिलता है ये एक भालू के बाल वाला पता नहीं कुछ यंत्र होता है जिससे शायद हवा कम हो जाती है. देन हमको मिलती है एक केबल जो कि DSLR के लिए है. देन हमको मिलता है एक शॉक माउंट जो कि ट्राइपॉड के ऊपर लग जाता है. ये माइक इसके ऊपर ऐसे लग जाएगा. लग जा टूटी मत. ओके, तो या ये इसके ऊपर लग जाएगा. एंड ये ट्राइपॉड के ऊपर ऐसे फिक्स हो जाता है यहाँ से. सो या लाइक तुम लाइक ये ट्राइपॉड फिक्स हो जाता है तुम ऐसे लाइक रिकॉर्ड कर सकते हो. देन जो हमें नेक्स्ट चीज़ मिलती है वो एक और केबल मिलती है. ये स्मार्टफोन के लिए है. एंड हमको मिलता है एक लेदर का पाउच जिसके ऊपर लिखा है बोया. एंड इसके अंदर अपना माउस, अपना जो माइक है उसको कैरी कर सकते हैं. सो दैट इज़ प्रीटी गुड. सो या दैट वाज द अनबॉक्सिंग. ओके गाइस, तो ये थी एक क्विक अनबॉक्सिंग इस बोया के माइक की. तो या ये था माइक, फटाफट से हमने इसको अनबॉक्स कर दिया. एंड अब करते हैं इसका माइक टेस्ट. तो अगर हम बात करें फिलहाल जो करंट वॉइस आ रही है वो आ रही है मेरे हेडफोन के माइक से. तो या पिछले 2 सालों से मैं जितने वीडियोस बनाई है लाइक मेरे इस हेडफोन के लिए आई थिंक मेरे को 2 साल हो चुके हैं. तो या जब से हेडफोन आया मैं इसी हेडफोन के माइक से ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसी को इसी से यूज़ कर रहा हूँ. लाइक काफ़ी बंदे मेरे से पूछते हैं कि आप एक्सटर्नल माइक यूज़ करते हो ना, मैं इसी को यूज़ कर रहा था और ये काफ़ी अच्छा माइक है भाई. इसका मैं बता रहा हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस हेडफोन का माइक इतना बढ़िया होगा. बट या इसकी नॉइस कैंसिलेशन वगैरह काफ़ी बड़ी चीज़ है. तो या नॉइस पकड़ता नहीं है और ऑडियो भी काफ़ी अच्छी रहता है. सो या टाइम था एक अपग्रेड का. तो लाइक आई बॉट दिस माइक एंड नाउ लेट्स टेस्ट दिस माइक. ओके, तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो वो सुन रहे हो इस बोया के माइक से या और मैंने ऑलरेडी ऑडियो सैंपल्स से सुन रखे हैं. सो अगर हम कंपेयर करें इसको मेरे हेडफोन के माइक से तो या जो ऑडियो की जो लाइक ऑडियो की क्वालिटी है जो वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है जो कि मैंने चेक किया है. लाइक मेरे को इतना ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला बट आई स्टिल बॉट इट. लाइक हेडफोन से लाइक थोड़ा सा बेटर ही है इसकी क्वालिटी बट इतना ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा. सो या द मेन रीज़न मेरे को इसे खरीदने का ये था कि लाइक मैं हमेशा हर जगह अपने हेडफोन को लेके तो घूम नहीं सकता ना. और ये इस बैग को लेने का मेरा जो मेन रीज़न था वो ये था कि मैं लाइक फ्यूचर के अंदर मैं आउटडोर शूट्स भी करने वाला हूँ. लाइक अगर मैं व्लॉग लाइक मेरे को अगर बाई चांस व्लॉग करना पड़ जाता है या फिर आउटडोर शूट करना पड़ जाता है तो उसके लिए माइक काफ़ी ज़्यादा लाइक यूज़फुल रहे कि एक शॉटगन माइक है. तो या इट्स अ लाइक अगर मैं इससे दूरी पर रहूँगा तो भी ये काफ़ी अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड करेगा. सो या इट्स अ गुड माइक फॉर व्लॉगिंग एंड लाइक आउटडोर शूट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा माइक है. लाइक और लाइक ये बैक से ऑडियो रिकॉर्डिंग करता लाइक अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ऑडियो इतनी ज़्यादा अच्छी से रिकॉर्ड नहीं करेगा अगर ये ऐसे माइक रहेगा. सो या ये काफ़ी अच्छी चीज़ है. तो या दैट वाई आई वॉट क्योंकि मैं हेडफोन हर जगह लेके नहीं घूम सकता. माइक उसका अच्छा है लेकिन मैं उसे हर जगह लेके नहीं घूम सकता तो इसलिए मैंने ये लिया है. सो या इससे मैं इंडोर शूट भी हो जाएगा मेरा और मेरा आउटडोर शूट भी हो जाएगा, मेरे दोनों काम हो जाएंगे. सो इसीलिए मैंने एक कंडेंसर माइक नहीं लिया. मैं सोच रहा था कंडेंसर माइक लेने की बट वो थोड़ा आउट ऑफ बजट जा रहा था. लाइक वो 3-3.5 हज़ार रुपये का रहा था, ये 1250 रुपये का मिल रहा था. तो ये मेरे बजट के अंदर भी आ रहा था और लाइक इससे मेरे दोनों काम हो रहे थे. सो या दैट वाज द रीज़न मेरा इस माइक को ख़रीदने का, बस यही एक रीज़न था ताकि मेरे इंडोर शूट्स और मेरे आउटडोर शूट मेरे दोनों काम हो जाएँ. और लाइक या दैट वाज द प्रीटी मच इट. एंड नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या आगे इस चैनल का होने वाला है. एंड या मैंने पीछे एनिमे के पोस्टर भी लगा रहे तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आ ही रहा हो कि मैंने ये माइक क्यों मंगाया है. सो या अगर तुम्हें समझ आ गया तो कमेंट करो, मैं तुम्हें पिन कर दूंगा. एंड वरना मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा कि इस चैनल का फ्यूचर क्या होगा और जो मेरा सेकेंड चैनल है उसका भी मैं अब लाइक उस पर भी मैं रेगुलर होने वाला हूँ. सो या ये माइक भी मैंने उसी के लिए मंगाया है. और मैंने एक रिंग लाइटिंग मंगाई है. रिंग लाइट तो या तुमको लाइटिंग भी थोड़ी बेटर लग रही होगी. सो आई थिंक दैट इज वॉज प्रिटी मच इट फॉर दिस वीडियो. माइक टेस्ट आपको दिखाई दिया है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा.
और बताओ क्या मेरी 1250 रुपये की इन्वेस्टमेंट वर्थ रही कि नहीं। मेरे हिसाब से आई थिंक मैं सेटिस्फाइड हूँ इस परचेज को लेके, और ये आगे मेरे को फ्यूचर में फ़ायदा ही देने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक मार देना, सब्सक्राइब मार देना चैनल को, और या आई एम बैक ऑन यूट्यूब बट विद अ ट्विस्ट।